क्या आप कभी वक्त निकालकर अपने ख्यालात पर तवज्जो देते हैं? एक बात जिस पर हमें कतई तवज्जो नहीं देनी चाहिए वो है हमारे माजी में किए गए बुरे फैलों पर। ये बात हमें परेशान कर देती है। आज लुत्फ उठाए रोजमर्रा की जिंदगी का में हम देखेंगे आप उसे कैसे बदल सकते हैं। अमसाल 4:23 में है, अपने दिल की मुस्तैदी से हिफाजत करो क्योंकि इसमें से निकलते हैं जिंदगी के मसाइल। ये आपकी जिम्मेदारी है। ये नहीं कहा गया कि कोई और करेगा हमारे दिल की हिफाजत, कहा गया तुम खुद तनदेही से अपने दिल की हिफाजत करोगे बार 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 बार, क्योंकि दिल से ही सारे मसले खड़े होते हैं। दूसरे लफ्जों में, अगर वो सच्ची जिंदगी चाहते हैं जिसके लिए मसीह ने अपनी जान दे दी, तो आपको मोहतात रहना है ख्यालात और तर्ज अमल के तईन। शैतान हमारे दिमाग पर काबिज होना चाहता है। इस हिस्से में वो हमारे फिक्र व ख्यालात पर गलबा हासिल कर लेता है, हमें बहकाता है, हमें उसे उखाड़ फेंकना है। हमारे पास हथियार है, हम जंग कर रहे हैं और हथियार बंद है, लेकिन ये हथियार हकीकी रूप में नहीं है। आप दुश्मन का गला दबाकर उसे मात नहीं दे सकते, आप शैतान को जेल में नहीं रख सकते। हमारे पास शैतान को मात देने के लिए जितने भी कारगर हथियार हैं, हम उन्हें देख नहीं सकते। रूहानी कुव्वतें हकीकी होती हैं पर दिखाई नहीं देती, जैसे खुदा के अहकामात। आपको पता भी नहीं चलेगा कि शैतान आपसे झूठ बोल रहा है अगर आप खुदा के कलाम से वाकिफ नहीं। हम्द व सना के साथ उसकी इबादत एक हथियार है दुश्मन के खिलाफ। कल रात मैंने कहा था कि हमें सोचना कम है और शुक्र ज्यादा करना है। मतलब ये कि हमें जरूरत है ज्यादा शुक्रगुजार होने की, जरूरत है शुक्रगुजार होना, ना कि बहुत ज्यादा सोचना। कभी कभार हम कसरत से सोचते रहते हैं, हम दो तीन गलतियों पर सर खपाते रहते हैं, लेकिन हम खुदा का शुक्र करना भूल जाते हैं। हम अपनी जिंदगी की दो बातों पर सर खपाते हैं जो हमें पसंद नहीं, या हमारे किसी करीबी शख्स की उन दो बातों पर जो हमें परेशान करती हैं, और इस बिना पर हम खुदा की बेपनाह इनायतों का शुक्रिया करना भूल जाते हैं। अच्छी और सच्ची चीजों का भी शुक्रिया अदा करना भूल जाते हैं। इबादत एक रूहानी हथियार है। गुज़िश्ता हफ्ते खुदाए बरतर ने उस वक्त बड़ी दिलचस्प बातें बताई जब मैं इबादत में मसरूफ थी। यूहन्ना में दर्ज है कि यीशु मसीह ने पतरस से तीन बार पूछा, पतरस तुम मुझे चाहते हो, पतरस तुम मुझे चाहते हो, पतरस तुम मुझे चाहते हो। इस तरह वो वजाहत करना चाहते थे एक नुक्ते की, अगर तुम मुझे चाहते हो तो तुम्हें बहुत सारी कुर्बानियां देनी होंगी, मगर हर चीज तुम्हारी मर्जी के मुताबिक नहीं होगी। क्या तुम्हें अब भी यकीन है कि तुम मुझे चाहते हो? इबादत के वक्त एक बार खुदा ने मुझसे पूछा कि जॉयस, क्या तुम्हें इबादत की कुव्वत पर यकीन है? तो मैंने जवाब दिया कि हाँ। उन्होंने फिर पूछा, क्या तुम्हें वाकई यकीन है? जब मैंने ये सवाल तीन तीन बार सुने, तब मुझ पर यह वाजे हुआ कि खुदा मुझको ये नुक्ता समझाना चाहते थे कि इबादत की कुव्वत इससे कहीं ज्यादा है जितना कि हम समझते हैं और मानते हैं। ये हमारी पहली और सबसे बड़ी दफाए कुव्वत होनी चाहिए, और अगर हम सचमुच यकीन रखते हैं इबादत की कुव्वत पर, तो फिर हमें वो चीजें नहीं आजमानी चाहिए जो हम आजमा सकते हैं, और हम कहेंगे कि हम इबादत के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। मुद्दा ये कि जब कोई मुश्किल दरपेश हो तो हम सोचें कम और इबादत ज्यादा करें, क्योंकि ऐसे मौके पर हम दलील और सबब का सहारा लेते हैं। हम अपने दिमाग के सहारे, अक्ल व शऊर से अपनी मुश्किल का हल ढूंढते हैं। खुदा की मेहरबानियों से घर बनता है, बनाने वाले फजूल की मेहनत करते हैं। इबादत खुदा के लिए दरवाजा खोलती है कि वो हमारे मकसद की तकमील करे। लिहाजा हम जो कुछ करना चाहते हैं अपनी इबादत के जरिए, खुदा का सहारा अगर नहीं लेते हैं, तो शैतान हमारी जिंदगी में दखल देता है। इबादत एक रूहानी जंग है। अपने आप को खुदा के हवाले कीजिए तो शैतान खुद ब खुद आपसे भागेगा। बाज औकात पर हम इस मरहले पर भी बहुत सोचते हैं कि आखिर खुदा हमसे चाहता क्या है। जरूरी यह है कि हम ताबेदार रहें, ना कि खुदा के फरमान पर दलील ढूंढे। मोहब्बत के रास्ते पर चलना रूहानी जंग है। रोमियो 12:21 में कहा गया है कि हम बुराइयों पर काबू पाते हैं अच्छाइयों के जरिए। जब शैतान आप पर हमलावर हो, तो सबसे मौसर काम यह होगा कि आप जाकर किसी और के साथ नेकी करें। मैंने कहा आप किसी के साथ जाकर नेकी करें तो यह सबसे मौसर काम होगा। मैं फिर से कह रही हूं, जब शैतान आप पर हमलावर हो,
तो सबसे मुअस्सर काम ये होगा कि आप जाकर किसी और के साथ नेकी करें, आपकी ख्वाहिश हो ना हो, लेकिन आप ये काम जरूर करें। खुदा की कुर्बत भी रूहानी जंग है। अगर आप खुदा की कुर्बत में रहें और हर वक्त खुदा के आसपास होने का एहसास हो और हर वक्त खुदा आपके चारों तरफ हो, तो शैतान आपका कुछ नहीं कर पाएगा। कल रात मैंने आखिर में कहा था कि फरेबी जहन पुरफरेब जिंदगी बनाता है। मेरे आज के पैगाम का मौजू है, सोचिए उस पर जो आप सोच रहे हैं। कुछ लोग अपने ख्यालात पर ध्यान नहीं देते। आपको सोचना होगा उस पर जो आप सोचते हैं। अगर अफसुर्दगी है तो सोचिए कि आप क्या सोच रहे थे, तब आप जल्दी ये बात जान जाएंगे कि आपके जज्बात सर्द क्यों हो रहे हैं। अगर आप पेशोपेश में हैं, तब सोचिए कि आप क्या सोच रहे थे कि आप पशोपेश में पड़ गए हैं। क्या आप खुद को खुश रख सकते हैं? आप अपनी सोच से अपने दिन को अच्छा या बुरा बना सकते हैं। ये क्या, आप तो ऐसे देख रहे हैं जैसे कुछ नहीं समझ रहे। मैंने कहा आप अपने अच्छे या खराब मूड दोनों के बारे में सोच सकते हैं। आप अपनी सोच से खुद को आजारदह कर सकते हैं या अपनी सोच से खुद को खुशखुरम भी कर सकते हैं। शैतान ये चाहता है कि हम सोचें कि हम शिकंजे में हैं और हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं आज यहां हूं आपको ये खुशखबरी देने के लिए कि हम कुछ कर सकते हैं। कुछ है जो आप कर सकते हैं खुद की खुशी के लिए, कुछ है जो आप कर सकते हैं शैतान से निपटने के लिए और खुद की जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए। और इन सब का आगाज होता है आपके दिमाग से। दिमाग मैदान जंग है और अगर आप सही नहीं सोचते तो शैतान आपकी जिंदगी पर काबिज है। फरेबी जहन पुरफरेब जिंदगी को जन्म देता है। मकर व फरेब क्या है? फरेब का मतलब यह है कि शैतान आपसे झूठ कहता है और आप यकीन कर लेते हैं, या दुश्मन आपसे झूठ कहता है तो आप यकीन कर लेते हैं। आमीन। आप धोखा खाना नहीं चाहते। हकीकतन बाइबल के जरिए बताया गया है, मती 24:4 में है, ख्याल रहे कोई मकर व फरेब के जरिए तुम्हारी जिंदगी गुमराह ना कर दे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम नजर रखें कि हम फरेब ना खाएं। वाजे रहे कि अगर आप खुदाए अहकामात से नाबल्द हैं तो आप धोखा खा जाएंगे। मेरा बाप बचपन में अरसे तक मेरा जिनसी इस्तेसाल करता रहा, तब क्या शैतान ने मेरे जहन और कल्ब पर डेरा जमा लिया? अब तुम्हें हमेशा अबतर जिंदगी गुजारनी पड़ेगी क्योंकि तुम्हारा जिनसी इस्तेसाल हुआ है, तुम गंदी जिन्स हो। तब मुझे यहां पता चला, हमारे माजी को हमारे मुस्तकबिल से कुछ सरोकार नहीं है। थी ना ये अच्छी खबर? मुझ पर इंकशाफ हुआ कि नई शुरुआत के लिए देर नहीं होती, नई शुरुआत के लिए उम्र नहीं होती। बहुत सारे झमेले होने के बाद भी हम कामयाब जिंदगी गुजार सकते हैं। जब तक मुझे हकीकत मालूम नहीं है, मैं नावाकिफ थी, गलत को सही मान रही थी। आपको जानना चाहिए। खुदाई फरमान पैदाइश 3:1-6 में है कि हव्वा शैतान के झूठ के बहकावे में आ गई थी। शैतान जब आपकी जिंदगी में दखल देना चाहता है तो वो अपनी बातों से आपके जहन पर असर डालता है। ये सही नहीं है। अदना सी राय है, बाज औकात ये सरी झूठ भी नजर नहीं आएगा। सच्चाई की जरा सी तोड़ी मरोड़ी शक्ल जो बहरहाल झूठ होता है, मगर बाज़ औकात हम समझ नहीं पाते कि वो बातें झूठी हैं। उसने हवा से क्या कहा था? क्या खुदा ने खुद तुमसे ये कहा? जरा सा लहजा बदला, सवालिया निशान लगा दिया। आखिर खुदा ने तुम्हें उसके लिए मना क्यों किया? खुदा तुम्हें किससे महरूम रखना चाहता है? हो सकता है उसमें कुछ ऐसी लज्जत हो जिसका मजाक खुदा नहीं चाहता तुम चखो। मुमकिन है अगर तुम वो करो तो तुम वो पाओ या तुम्हें वो पता चले जो तुम्हें नहीं पता। जानते हैं हवा ने क्या किया? उन्होंने शैतान की बात पर गौर किया और मुझे यकीन है कि पहले हवा जानती थी कि यह गलत है, क्योंकि पहली बात जो उन्होंने कही, नहीं, खुदा ने हमें इससे रोका है। शैतान उनके दिमाग से कहता रहा, तब वो भी उसकी बातों पर गौर करती रही और उसकी बातों में माकूलियत नजर आने लगी। एक बात कहूं, बाज़ औकात अकीदे में दलील नहीं होती,
बाज वक्त खुदा आपसे जो काम लेना चाहता है वो अक्ल तस्लीम नहीं करती। खुदा के हुक्म में हमेशा या आम तौर पर ताकुल नजर नहीं आता, इसलिए हमें हमेशा अपने रूहानी दिमाग से सोचना चाहिए, ना कि अपने मादी दिमाग से। और ये कि कभी आप बहुत सोचते हैं तब आपको अपने दिल से मशवरा करना चाहिए। ख्यालात की ऊंची उड़ान में नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपने दिमाग से पूछना चाहिए, तो आपको सही जवाब मिल जाएगा कि आपको क्या करना है। खुदा की मर्जी हो सकती है कि आप अपने मौजूदा रोजगार से दस्तबरदार होकर कोई और काम ढूंढें, क्योंकि हो सकता है कि पहले काम से आपको बहुत दबाव हो, वो आपको अपने घराने से दूर रखता हो, आपकी सेहत पर असरअंदाज होता हो। हो सकता है खुदा की मर्जी हो कि आप कोई दूसरा काम ढूंढें, लेकिन ऐसे में आपका दिमाग सोचता है भला ये क्यों, भला वो क्यों, भला ये क्यों, भला वो क्यों, भला ये क्यों, भला वो क्यों। ऐसी हालत में हम क्या करते हैं, हम जिंदगी गुजार देते हैं अपना ख्याल रखने में। हम अंदर से टूट जाते हैं क्योंकि हम कबूल नहीं करते मुतबर्रक रूहानी क़यादत। मुझे कुछ कहना है, आप वो कभी नहीं पाएंगे जो आपके मुकद्दर में है, अगर आप दिल की बात मानने की बजाय दिमाग की सुनेंगे। खुदा ने हमें बहुत सारे ऐसे काम करने को कहा है जो हमारे दिमाग को समझ में नहीं आते, और बहुत से काम ऐसे जिससे आपके दोस्त कायल नहीं होते। वो कहते हैं इसमें माकूलियत नहीं है, देखिए इसमें समझदारी नहीं है, देखिए उसमें समझदारी नहीं है, और ये मंतिक के खिलाफ है। आपको पता है ना कि दुनियावी इल्म से खुदाई रास्ते का कोई ताल्लुक नहीं। आइए देखते हैं पहला कुरिंथियो 3:18। हम ये नहीं कहते कि मालूम करने निकले कि हम किस हद तक बेवकूफी कर सकते हैं। मेरा तो कहना है कि आपको अपने दिल का साथ देना चाहिए, ना कि दिमाग का। पहला कुरिंथियो 3:18-3:20। किसी शख्स को खुद फरेबी में नहीं पढ़ने दिया जाए। मुझे अच्छा लगा ये, किसी शख्स को खुद फरेबी में नहीं पढ़ने दिया जाए। आप में से अगर कोई समझता है कि वो दानाए वक्त है, तो उसे हिमाकत करने दीजिए, उसे दस्तबरदार होने दीजिए दुनियावी अक्ल व फहम से, उसे ऐसे ही कुन जहन अहमक और बेवकूफ रहने दीजिए, उसे इल्म व दानिश्वरी से महरूम रहने दीजिए, हता के वो दाना नहीं बन जाता। आप जानते हैं कि बेशतर लोग कैसे फरेब खाते हैं दुनियावी इल्म से। मैं ये नहीं कहती कि हमें तालीम हासिल नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये चाहती हूं कि आप समझें किताब की हर बात सही नहीं, प्रोफेसर जो सिखाता है सब हकीकत नहीं। तकलीफ के बारे में स्कूल में नहीं बताया जाता, ना ही ईमान और अकीदे के बारे में। स्कूल में खुदा पर ईमान रखने का सबक नहीं मिलता। दो जराए हैं अक्ल व दानिश के, दुनियावी इल्म और इल्म किताब अजीम। लाजवाल तसनीफ है, और जानते हैं वो क्या है। मैं मानती हूँ ये सही है, और मैं कैसे मानती हूँ, क्योंकि ये करामत है, दूसरा नहीं। आपको सिर्फ इतना करना है कि उन लोगों पर नजर रखिए जो दुनियावी इल्म की पैरवी करते हैं, और नतीजे में समाज में क्या कुछ हो रहा है, सब कुछ नाले में बह गया। बाइबल में लिखा है कि जो उस पर ईमान रखते हैं और परहेजगारी के रास्ते पर चलते हैं, वो अंधेरे में चमकेंगे किसी तेज रोशनी, सितारों और नूर के मीनार की मानिंद। आमीन। हमारी जिंदगी अक्स होनी चाहिए उन सच्चाइयों का जो खुदा के कलाम में है। आपको बस इतना करना है कि आप खुदा की हिदायतों पर अमल करें। बहुत जल्द लोग देखेंगे कि कैसी तब्दीली आई है आप में और दूसरों में। आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि अपने दोस्तों के सरों पर बाइबल पटक कर यीशु मसीह पर ईमान लाने को कहना पड़े। वो खुद आपसे पूछेंगे कि आपके पास ऐसा क्या है जो उनके पास नहीं। फिर ये कि मैं तालीम को हकीर नहीं समझती, मेरे ख्याल में तालीम की बड़ी अहमियत है, फिर भी मैं कहती हूँ कि दानिशमंदी और जकावत का आम तालीम से अलग मकाम है। आयत 19, इस दुनिया की दानाई असल में बेवकूफी है, हिमाकत और मजाक का कैजी है खुदा के नजदीक। यहाँ लिखा गया है कि खुदा वाकिफ होता है उन ख्यालात और इंसानी अक्ल की दलीलों से, और जानता है कि वो कितनी नाकारा और कितनी फजूल और कितनी बेकार की बातें हैं। एक चीज जो गुमराही फैलाती है वो ये सोचना कि हम सब कुछ जानते हैं, ये सोचना कि हमें सब आता है। जैसे कि मैंने कहा मैं आज बैटलफील्ड ऑफ द माइंड के बारे में गुफ्तगू करूंगी, तो आपने सोचा होगा अरे यार मुझे नहीं आना चाहिए था, मैंने तो किताब पढ़ी है। ऐसी बात वो लोग करते हैं जो समझते हैं कि उन्हें सब कुछ मालूम है और अब सीखने के लिए इस सिलसिले में कुछ बचा ही नहीं है। हमें समझना चाहिए मुझे इसकी जरूरत है, मुझे इसकी जरूरत है।
मुझे इसकी जरूरत है। मुझसे बात करो जॉयस, मुझसे बात करो मालिक, मुझे बताओ, मुझे उसकी जरूरत है, मुझे मदद की जरूरत है। हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए कि खुदा हमें क्या सिखाना चाहता है। आमीन। मैं चाहती हूं आप मेरे साथ रोमियो 12 का मुताला करें। यह शायद पहली मुकद्दस तहरीर है जिसका हर नए ईसाई को मुताला करना और समझना चाहिए। रोमियो 2:12 के जरिए दुनिया में घुल मिल जाने की मुमानियत और खुद को बदलने को कहा गया है। तब्दीली मतलब मुकम्मल तब्दीली, बदलना मतलब तुम्हारे जहन की पूरी तरह से काया पलट होना। फिर आदमी नया जन्म लेता है, इसलिए बाइबल में है कि जो शख्स यीशु मसीह में है वो नई मखलूक है। पुरानी चीजें खत्म और हर चीज नई हो जाती है। हम यहां रूहानियत की बात कर रहे हैं। अंदर का रूहानी शख्स नया नवेला हो जाता है। खुदा का मकसद है आपकी जिंदगी को पुर जलाल बनाए। जानते हैं, हालांकि आपने नई जिंदगी पाई है, हो सकता है कि आप खुदा की बादशाहत में जाएं और खुदा ने नया मंसूबा बना रखा है आपकी जिंदगी का, और हर चांद आपको खुशी मिल सकती है, आप कामयाब व बामुराद हो सकते हैं, और आपको हिमायत हासिल है और बेशुमार अच्छी चीजें आपके लिए महफूज रखी हैं अगर आप अपने कल्ब व नजरिए को हुक्म इलाही के मुताबिक नहीं बदलेंगे। अगर आप नहीं बदलेंगे सोचने का ढंग, तो आप इन चीजों से मुस्तफैज नहीं होंगे जो आपके लिए है। बिल्कुल इस तरह के करोड़ों डॉलर बैंक में होने के बावजूद लोग गुर्बत व अफलास में जीते हैं क्योंकि वो नहीं जानते कि उनके पास ये रकम है। आपको अपना जहन ताजा करना होगा। आपको नाउम्मीद नहीं होना है, अफसुर्दा नहीं होना है। इसलिए कि सुबह उठकर आप अफसुर्दा हो जाते हैं, जरूरी नहीं आप अफसुर्दा रहेंगे। क्योंकि आपसे गलती होगी, इसके मायने ये नहीं कि यहाँ हर बात का खात्मा हो गया। आप नाकाम नहीं क्योंकि आप नाकाम रहे। आप तब नाकाम होंगे जब आजमाना छोड़ेंगे। पर आप देखिए, मैंने उन बातों को तब तक नहीं देखा था जब तक मैंने किताब नहीं पढ़ी थी। ये हालेलुया। और इस जहान को हम शक्ल ना बनो, दुनिया वालों की तरह मत बनो, जो दुनिया चाहे वो मत चाहो, पर बदल जाओ। एक कीड़ा जाकर तितली बन जाता है। ये सबसे बेहतरीन मिसाल है हम जो पेश कर सकते हैं। कौन ऐसा सोच सकता है जब वो तितली को देखता है कि ये एक कीड़े से बनी होगी। आप में से बहुत से लोग बिल्कुल मेरी तरह शुरुआत में कीड़े थे, पर अब तितली बनने लगे हैं। पर इसके लिए तब्दीली बहुत जरूरी है। इसके लिए अंदरूनी बदलाव चाहिए। आपके अंदरून में होने के बाद ही ये बदलाव आपके बाहर होने लगेगा। चाहे कितना ही क्यों ना हो, आप बच गए, पर आपने जो गुनहगार किसी सोच रखी, तो आप एक खुशहाल जिंदगी कभी नहीं जी पाएंगे। पूरी तरह के बदलाव से गुजरिए। अक्ल को पूरी तरह से बदलिए। आपको अपने रुपए पैसे को लेकर अलग जहानियत इख्तियार करनी होगी। एक गुनहगार खैर खैरात पर यकीन नहीं रखता। आपको एक साहिब ईमान की सी जहानियत लानी होगी। आपको रोजाना उठकर बामकसद बातें सोचनी होंगी कि मैं किस तरह आज किसी को नवाजूं। मैं बता दूं, मैं उस तरह नहीं सोचा करती थी। मैं बिस्तर पर लेटी लेटी सोचती कि दिन भर मुझे लोगों को किस तरह अपने इशारे पर नचाना है। लेकिन मेरी अक्ल बदली, चूंकि मेरी जहानियत में बदलाव आया, मेरी जिंदगी में भी बदलाव आया। अब मैं बामकसद सोचती हूं। सब मिलकर बामकसद सोचें। जो अच्छी खबर मैं आप तक लाना चाह रही हूं वो ये कि आपको उन बातों के बारे में ना तो सोचना है, ना उन पर ध्यान देना है, ना अपने जहन में घूमने देना है जो बातें आपके दिमाग में आ पड़ती हैं। अगर आप खुदा के कलाम को जानते हैं, तब जब भी कोई ख्याल आ जाता है जो आपकी जिंदगी के लिए बर्बाद कुन हो सकता है, तो आप उसे पहचान ले, उसे निकाल फेंके और जानबूझकर कोई अच्छा ख्याल ले आए। और ऐसा करने पर आपकी जिंदगी में एक नेक फल पैदा होगा। ये जानने से पहले मैं सुबह जब जागती, पर यह ना जानती थी कि हम अपने ख्याल को चुन सकते हैं, तो शैतान मेरे जहन में खुदगर्जी ख्याल भर देता। मैं बिस्तर पर लेटे लेटे दूसरों पर नाराज हो जाती, कबल इसके कि मैं बिस्तर से उतर जाऊं। आप जानते हैं मैं क्या कह रही हूं। मैं वहां लेटे लेटे सोचा करती जो जो बातें देव ने कल की थी, जो मुझे नापसंद थी, जो वो शायद आज भी करने वाले थे और मुझे नागवार लगेंगे। और मैं पहले से तैयारी कर लेती कि जब वो ऐसा करेंगे तब मैं क्या क्या कहूंगी। मेरा मतलब, हमारे बीच 5-6 बार झगड़े हो जाते कबल इसके कि मैं फर्श पर अपना पैर रखूं। मैं गुस्से में होती हालांकि मैं तब तक जागी भी ना होती। आप
अपने जज्बात बिगाड़ लेते हो, अपने ख्यालात से आप अपनी सेहत को बिगाड़ लेते हो। हालेलुया। ओ जिंदगी में कितनी तब्दीली हो गई कि सुबह उठकर पहली बात यह होती है, तेरा शुक्र है खुदावंद इस रोज के लिए, इस रोज के लिए तेरा शुक्र है खुदावंद, शुक्र है कि मैं इस रोज का लुत्फ ले सकती हूं जो तूने बख्शा, मेरे खानदान वालों के लिए शुक्र है, तेरा बच्चों के लिए शुक्र है तेरा कि तूने मुझे मिनिस्ट्री में रखा। अब ऐ खुदावंद ये बता कि आज किस तरह किसको फैज पहुंचाऊं, क्या तब्दीली है, क्या बदलाव है इस जहां के। हम शक्ल मत बनो बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। आज मैं बहुत खुशहाल हूं, मैं बड़ी खुश हूं, हमेशा खुश रहती हूं। मुझे इस्तेसाल से गुजरने वाले वो सारे साल याद हैं। मैं ऐसी बुरी शादी से गुजरी जिसमें बदसलूकी थी, मैं रात के वक्त खुदावंद से दुआ किया करती थी, या खुदा किसी दिन मुझे भी खुश रहना है। मैं इतनी गमजदा रहती, मैं तमाम जिंदगी गमजदा रही, मैं खौफ और परेशानी और तकलीफ और एहसास गुनाह में जीती रही, मुझ में किसी बात का लुत्फ लेने का गुर नहीं रहा। मैं कहा करती थी खुदारा किसी रोज मुझे भी खुशहाल होना है, और आज मैं खुशी से ये ऐलान कर सकती हूं कि हाँ, आज मैं खुश हूं, आज मैं तहे दिल से खुश हूं। और मैं ज्यादा खुशी के साथ आज ये बता दूं कि मेरी खुशी का ताल्लुक गुजरते हालात से बिल्कुल नहीं। वो यूं कि ये असली खुशी नहीं होती है, ये खुदावंद की खुशी होती है। पर आप जानते हैं, आपको पता है, मैं सोच सोच कर अपना मिजाज बिगाड़ सकती हूं। मैं बस वहां जाकर बैठ जाऊं और आधे घंटे के लिए बुरी बातें सोचने लगूं और अपने ऊपर बदमिजाजी का दौरा तारी कर लूं। मैं सोच सोच कर अपने ऊपर बदमिजाजी को जबरदस्ती हावी कर लूं, सबसे खफा, किसी को भी डांटू, किसी से भी गुस्से से बात कर लूं, ये बातें अब मैं बर्दाश्त नहीं करने वाली। जो भी है वो मेरा फायदा उठाता है, सारा का सारा काम मैं ही करती हूं, सब लोग मुझे गलत समझते हैं, कोई मेरा जो है हालात समझने की कोशिश नहीं करते। बै, 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 बै। मेरी बात सुनिए, आप अपनी मदद कर सकते हैं। आप में से बहुतों को पहले जैसे बुरे दिन काटने की जरूरत नहीं। आपको अपने दिन अफसुर्दगी, मायूसी, गुस्सा, कड़वाहट और आजुर्दगी में गुजारने की जरूरत नहीं। पर कहीं आप किसी मौजजे के इंतजार में बैठे रह गए या किसी ऐसे मनाधिकार के शहर आने का इंतजार करें जो आपके सर पर अपना गर्म हाथ फिराएगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। मैं आपको यहां सच बताने आई हूं। आप अपने जाति मसाइल से निपट सकते हैं कलाम इलाही पर तवज्जो देकर या उसे जिंदगी में लागू करके, उस पर अमल करके। पर आपकी जिंदगी में तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप अपने अक्ल नहीं बदलेंगे। अगर आपने एक सड़ी बदबूदार सोच रखी तो आपकी जिंदगी भी वैसी होगी। अगर आपने वो जहानियत रखी जिसे मैं सड़ी बदबूदार सोच कहती हूं, तो सच ये होगा कि आप अपनी जिंदगी को नापसंद करने लगेंगे। आज हम कुछ वसाइल पेश कर रहे हैं जो आपके काम आ सकते हैं। ये उन बेहतरीन वसाइल में से हैं जो हम आपको दे सकते हैं। कई मुख्तलिफ चीजें हैं बैटलफील्ड ऑफ द माइंड पर, मुझे इसकी अहमियत पर जोर देना नहीं आता, क्योंकि सच तो ये है कि जब तक आप अपनी अक्ल को दुरुस्त नहीं करते, तब तक आप अपनी जिंदगी को कतई दुरुस्त नहीं कर पाएंगे। दुश्मन हम पर अक्ल की मैदान जंग में हमला करता है, और आप ये जंग तभी जीत पाते हैं जब आप अपनी अक्ल से चलना सीख जाते हैं। बराए मेहरबानी तमाम मालूमात हासिल कीजिए, क्या क्या चाहते हैं इसका फैसला कीजिए, हमसे राब्ता कीजिए। हमें आपसे मोहब्बत है, खुदा आपको नवाजे। जॉयस मायर मिनिस्ट्री आपकी उम्मीदों से ज्यादा है। आपके लिए, आप सबका यहाँ आने के लिए शुक्रिया, और शुक्रिया उन दोस्तों और वालदीन का जिन्होंने इसे दुनिया भर में फैलाया। हम सब भूखे को खाना खिलाते हैं, गरीब को कपड़ा देते हैं, और इस तरह मुल्क की खिदमत करते हैं। आप joyousmayer.org पर विजिट करें और अपनी इल्तिजाई इबादत हमारे साथ बांटें। देखिए जॉयस के अजीम बयान और हमारे साथ शामिल हो जाइए यीशु की मोहब्बत भरी दुनिया में।